हे एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डोपिंग। आज आप डोपिंग पढ़ेंगे। और सॉरी मैं टेन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, एक्चुअली मेरा एग्ज़ाम था, मैं एग्ज़ाम देने गई हुई थी इसलिए मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन आज हम पढ़ेंगे डोपिंग के बारे में। आपको पता होगा डोपिंग से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। आपको पता होगा कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एग्जाम में, TGT PGT। और गाइस आपको पता होगा कि RPSC की वैकेंसीज आ गई हैं, तो आप वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं जो भी इंटरेस्टेड है। KVS NVSC बहुत जल्दी आने वाली है, नोटिफिकेशन आ गए हैं। और LTGrade गाइस सुन रहे हैं कि लास्ट जुलाई में आपको हो सकता है देखने के लिए मिल जाए। मैं इतना श्योर तो नहीं हूँ, सुन रही हूँ तो मैं बता सकती हूँ कि हो सकता है देखने के लिए मिल जाए। तब तक आप लोग तैयारी करिए TGT PGT की। और एग्ज़ाम मैं जिस हिसाब से मुझे पता लग रहा है एग्ज़ाम आपका हो सकता है फर्स्ट वीक में सितंबर से लेके मतलब लास्ट सितंबर तक हो सकता है आपका एग्ज़ाम। ठीक है, तो आपकी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और जहाँ पे भी डाउट आ रहा है मुझसे पूछते रहिए। और काफ़ी बच्चों के कमेंट आए थे कि मैम कुछ कुछ टॉपिक तो मुझे सबके पता है, किसने किसने क्या क्या भेजे हैं, मैंने सबके रीड आउट करे और मैं कोशिश करूँगी आप वीडियो अपलोड कर दूँ आपके जो भी आप लोग टॉपिक की डिमांड करिए। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे डोपिंग के बारे में। डोपिंग गाइस क्या होते हैं आपको पहले तो बताएं, डोपिंग होता क्या है। डोपिंग जो है, डोपिंग कम फ्रॉम डच वर्ड डोप। डोपिंग है वो किस वर्ड से बना है, एक डच वर्ड है डोप, उससे बना है डोपिंग। डोपिंग क्या होता है, डोपिंग वो होता है जो परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए लिया जाता है, उसको कहते हैं डोपिंग। ठीक है, जो एथलीट अपनी परफॉर्मेंस को, एथलीट या प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए लेते हैं उसको बोलते हैं डोपिंग। तो डोपिंग किस वर्ड से बना है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डोपिंग कम फ्रॉम डच वर्ड, डच वर्ड के डोप वर्ड से आया है। ठीक है, डच वर्ड के डोप वर्ड है उससे बना है डोपिंग। ठीक है, डोपिंग इज़ अ बैंड ड्रग। डोपिंग कैसा ड्रग है, ये बैंड है, ये बिल्कुल बैंड है ड्रग, क्योंकि इससे क्या होते हैं जो भी एथलीट होते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर लेते हैं, तो इसलिए इसको बैन कर दिया गया है। डोपिंग क्या है, कैसा ड्रग है, ये बैंड है, बंद है ड्रग। ये परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग ड्रग इन स्पोर्ट, ये कैसा ड्रग है, ये परफॉर्मेंस को इन्हेंस करता है। मैंने बताया था नहीं कैसा ड्रग है, ये परफॉर्मेंस को इन्हेंस करता है, परफॉर्मेंस को बढ़ाता है स्पोर्ट्स में, इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। अब ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हो सकता है पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो पहले कौन से एथलीट थे जो डाई हो गए थे 1912 में, तो फ्रांसिस्को लाज़ारो थे, ये पहले एथलीट हैं जो डाई हो गए थे 1912 में, इन्होंने डोपिंग ली हुई थी। ठीक है, तो फ्रांसिस्को लाज़ारो आप याद रखोगे पहले एथलीट हैं जो खत्म हो गए थे 1912 में। फर्स्ट डोपिंग टेस्टिंग, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये पहले जो डोपिंग की टेस्ट हुए वो कब हुई है आपको याद रखना है, 1968 में पहला जो डोपिंग का टेस्ट कब हुआ है, 1968 में हुआ है। आप लोग याद रखोगे पहला डोपिंग का टेस्ट कब हुआ है, 1968 में हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि UDSSB में क्वेश्चन आया था कि गॉडफादर ऑफ स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड्स के गॉडफादर किसको बोला गया है, तो डॉक्टर जॉन बोस्ले को बोला गया है। डॉक्टर जॉन बोस्ले को गॉडफादर ऑफ स्टीरॉइड्स बोला गया है। ठीक है, किसको गॉडफादर ऑफ स्टीरॉइड किसको बोला गया, डॉक्टर जॉन बोस्ले को। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट डोपिंग टेस्टिंग कब हुई, पहली डोपिंग की जो टेस्ट था वो कब हुआ, 1968 में हुआ, और गॉडफादर कौन है स्टेरॉइड्स के, तो डॉक्टर जॉन बोस्ले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पॉइंट देखेंगे, फर्स्ट प्लेयर टू बी डिस्क्वालीफाइड, ऐसा कौन सा पहला प्लेयर था जिसको डिस्क्वालीफाई कर देते क्योंकि उसने डोपिंग ली हुई थी, तो कौन सा प्लेयर ऐसा था जो डिस्क्वालीफाइड हुआ था, हैंस गुडनर थे। हैंस गुडनर जो थे पहले प्लेयर थे जो कि डिस्क्वालीफाई किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 पॉइंट जो आपको याद रखते हैं कि डोपिंग जो है किस वर्ड से मिलकर बना है, तो डोप डच के दो वर्ड से बना है। पहला डोपिंग का टेस्ट कब हुआ था, 1968 में हुआ था, और गॉडफादर कौन है स्टीरॉइड्स के, डॉक्टर जॉन बोस्ले। इतना बस याद रखिएगा, और बाकी आपको पता होना चाहिए डोपिंग क्या होता है। ठीक है, इतना आप लोग बस अपने माइंड में रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे वाडा और नाडा। इससे गाइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जरूर इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, पहले तो हम लोग देखेंगे वाडा। वाडा क्या होती है, वर्ल्ड, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये क्या, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इससे गाइस हर बार क्वेश्चन आपको, जब भी आप लोग डोपिंग का टेस्ट सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे, आप देखोगे आपको 1-2 क्वेश्चन जो भी डोपिंग से मिलते हैं ना, आपको इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। या तो वो फुल फॉर्म पूछ लेंगे, या फिर पूछ लेंगे कब फॉर्म हुआ, या प्रेसिडेंट कौन, हेडक्वार्टर कहां पर है, जो भी पॉइंट है सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि वाडा का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये कब फॉर्मड हुआ है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाडा कब फॉर्मड हुआ है, तो याद रखिएगा 10th ऑफ नवंबर 1999 में। और इसकी डेट जरूर याद रखिएगा, वो 1999 तो दे देंगे, इसमें आप मंथ और डेट दोनों याद रखिएगा क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो कब हुआ है, 10th ऑफ नवंबर 1999 में।
क्या बना है? वाडा बनी है, जिसका फुल फॉर्म वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। इसके करंट प्रेसिडेंट पूछ सकते हैं, तो करंट प्रेसिडेंट कौन है इसके? विटोड बंका इसके करंट प्रेसिडेंट है। किसके? वाडा के करंट प्रेसिडेंट विटोड बंका है। आप लोग याद रखोगे डब्ल्यू से वाडा, डब्ल्यू से विटोड बंका, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। मोटो क्या है इसका? प्लेट्रू। प्लेट्रू इज द हेडक्वार्टर ऑफ वाडा, सॉरी इज द मोटो ऑफ वाडा, ठीक है। मोटो किसका है? मोटो जो है क्या है वाडा का? प्लेट्रू। प्लेट्रू इज द मोटो ऑफ वाडा। तो इतने पॉइंट याद रखिएगा अच्छे से, ये कब पूछे जाएंगे कि मतलब वाडा का फुल फॉर्म क्या है, कब फॉर्म्ड हुआ है, क्या करंट सॉरी कौन से करंट प्रेसिडेंट है इसके, क्या हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है और मोटो क्या है इसका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नाडा। नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका ये कब फॉर्म्ड हुआ? 24th November 2005। अगर ऑप्शन में 2005 नहीं है, 2008 होता है, तो आप 2008 पे जाओगे। तो मैं ऑब्लिक लगा के लिख देती हूँ 2008, तो आप लोग याद रखिएगा। अगर 2005 नहीं होता है तो 2008 ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कब फॉर्म हुआ है, 24th November 2005। या नहीं है 2005 तो 2008। ये कब था? 10th November 1999। ये कब है? 24th November 2005। इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है? किरण रिजिजू जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। नेक्स्ट हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। इसका कहाँ था? कनाडा में। इसका न्यू दिल्ली में। इसका मोटो क्या होता है? फेयर प्ले। नाडा किसका, नाडा का मोटो क्या है? फेयर प्ले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे डोपिंग से जो आपको याद होने चाहिए अच्छे से, क्योंकि इससे क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है, बहुत पूछे गए क्वेश्चन। ये तो जो पेज है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अच्छे से बिल्कुल लिख लीजिएगा और इसको बिल्कुल आपको लर्न होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको बताएं कितने टाइप की डोपिंग होती है, कौन सी डोपिंग, कौन से ऐसे क्या वो जो जितने भी प्रोहिबिटेड सब्सटेंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसको रिवाइज रखिए अच्छे से, और कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगी वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करूँ आपको, और जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो, जल्दी से सिलेक्शन लेके मुझे बताओ, ठीक है। तो इतना है, इतना आपके लिए है जो ज़रूरी है, इतना पढ़िए, और भी जो भी दिक्कत है मुझसे पूछते रहिए। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी जुड़ सकते हो एजुकेशन यूट्यूबर पर। अगर मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ना दे पाऊँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पेज एजुकेशन यूट्यूबर मुझे फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं, और पढ़ाई जरूर करते रहिए, ठीक है। एग्जाम बहुत जल्दी हो जाएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ एग्जाम हो सकता है, तो पढ़ाई करते रहिए। सो टेक केयर, बाय बाय।